अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 in World। दोस्तों 1965 की पाक भारत जंग के अंदर जहां पाकिस्तान फिजाइया के कई नामवर पायलट्स ने कई अहम कारनामे सर अंजाम दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे गुमनाम पायलट्स भी थे जिन्होंने गुमनामी के अंदर ही दुश्मनों की नींदें हराम करके रख दी, लेकिन आज तक कोई भी उन गुमनाम पायलट्स के नाम तक नहीं जानता। ऐसे ही गुमनाम पायलट्स में से एक पायलट का जिक्र हम आज की वीडियो में करेंगे, जिसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 8 Pass Charlie का एक फर्जी नाम दिया गया, लेकिन उसका हकीकी नाम क्या था या वो कौन था ये बात आज तक कोई भी नहीं जान सका। तो फ्रेंड्स अब अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपने आज के इस मालूमाती और दिलचस्प सफ़र को। दरअसल दोस्तों ये दास्तान है एक ऐसे लेजेंड पाकिस्तानी बॉम्बार एयरक्राफ्ट के पायलट की, जो कि एक हीरो तो बना लेकिन उसका नाम आज तक कोई भी नहीं जान सका और ये हीरो तारीख की गुमनामी में ही कहीं दफन हो गया। इस हीरो को 1965 की जंग के बाद एजाज़ात देने के लिए भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये हीरो गुमनामी में ही रहा और कोई भी इस हीरो की हकीकत न जान सका कि आखिर वो कौन था। दरअसल दोस्तों 1965 के अंदर होने वाली पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के B-57 बम्बार एयरक्राफ्ट्स ने रात के अंधेरे में भारतीय हवाई अड्डों पर हल्ला बोल दिया। बम्बार एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर आम छोटे लड़ाका हथियारों की नस्बत साइज़ में काफ़ी बड़े और भारी भरकम होते हैं। इनके साथ जब बॉम्ब्स को फिट किया जाता है तो उस वक्त इनका वज़न मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी बनावट बुनियादी तौर पर कुछ ऐसी होती है कि यह रात के अंधेरे में दुश्मनों की हदूद में दाखिल होकर या उनकी रेडार में आए बगैर दुश्मनों की हदूद में दाखिल होकर अपने टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, वहां बॉम्ब फेंकते हैं, अपने टारगेट्स को तबाह करके वापस अपने मुल्क के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन तैयारों के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो दुश्मन के तोप शिकन गोलियों और दूसरे लड़ाका हथियारों से अपने आप को बचा सकें, लिहाजा ये तैयारे मुकम्मल तौर पर खुफिया रास्तों को इख्तियार करते हुए दुश्मन की हदूद में जाते हैं और अपने टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया 1965 में होने वाली पाक भारत जंग में भी हुआ। उस वक्त पाकिस्तान फिजाइया के पास मौजूद B-57 तैयारों के साथ 8 भारी भरकम बॉम्ब्स को फिट किया जा सकता था। ये तैयारे ग्रोहों की शक्ल में 7 या 8 या 10 की शक्ल में दुश्मन की हदूद के अंदर दाखिल होते, अपने टारगेट्स पर बॉम्ब फेंकते और फिर फौरन से वापस आ जाते। इस दौरान एक्यूरेसी बहुत कम होती थी और उसकी वजह यह थी कि ये तैयारे दुश्मन की तोप शिकन गोलियों और तैयारों से बचने के लिए फौरन से अपने तमाम बॉम्ब्स को ज़मीन पर गिरा देते। इस तरह ये 8 बॉम्ब ज़मीन पर गिरते तो तबाही तो ज़रूर होती, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3 ही बॉम्ब ऐसे होते जो कि ठीक से अपने निशाने के ऊपर गिरते, जबकि बाकी बॉम्ब्स का निशाना ज़ाया जाता और यूँ महज 2 से 3 बॉम्ब्स को ही अपने काम में इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे ऐसा करने से कई बॉम्ब ज़ाया तो ज़रूर हो जाते थे, लेकिन अपने तैयारों को दुश्मनों की नज़रों से बचाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। ये तैयारे फौरन से दुश्मनों पर अपने बॉम्ब गिराते और एक लंबा चक्कर काटकर वापस अपने मुल्क की हदूद के अंदर दुश्मन की नज़रों में आए बगैर पहुँच जाते थे। लेकिन इन तैयारों के अंदर एक तैयारा जिसका पायलट 8 Pass Charlie था, ये कुछ ऐसा मुनफरद तैयारा था जो कि कभी भी किसी ग्रोह के साथ दुश्मन की हदूद के अंदर दाखिल ना होता। ये तैयारा दूसरे तैयारों की नस्बत बहुत ही मुनफरद था। अगरचे ये तैयारा तो मुनफरिद न था, लेकिन इसमें बैठा हुआ पायलट जो कि इसको ऑपरेट कर रहा था वो कोई आम पायलट नहीं था। 1965 की जंग में भारतीयों के अंदर खौफ और हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयरपोर्ट पर एक अकेले B-57 एयरक्राफ्ट ने हमला कर दिया। इस एयरक्राफ्ट ने पहले होते के अंदर सिर्फ एक बॉम्ब गिराया और आगे बढ़ गया। इस पर भारतीयों का रिएक्शन यही था कि शायद बाकी बॉम्ब किसी खराबी की वजह से न गिर सके और वह तैयारा बगैर बॉम्ब गिराए वापस चला गया। लेकिन इसके साथ साथ इस तैयारी के अंदर एक और मुनफरद बात यह थी कि जब यह तैयारा दुश्मन की हदूद में दाखिल हुआ तो उस वक्त इस तैयारे से किसी भी किस्म की कोई इंजन की आवाज़ वगैरह न आ रही थी, यानी यह तैयारा मुकम्मल तौर पर खामोशी और रात का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन की हदूद में दाखिल हुआ था। अब जहां एक तरफ भारतीय ये सोचकर खुश हो रहे थे कि शायद टेक्निकल ख़राबी की वजह से यह तैयारा बाकी बॉम्ब न गिरा सका, तो उस वक्त उनकी हैरत की इंतहा न रही जब कुछ ही देर बाद यही तैयारा दोबारा से दुश्मन की हदूद में आया और अपने एक और टारगेट पर अपना निशाना लगा कर बॉम्ब फेंक कर वापस से हवा के अंदर गुम हो गया। जब यह तैयारा दुश्मनों की हदूद में दूसरा बॉम्ब गिराकर आगे बढ़ गया तो उस वक्त भारतीयों ने फौरन से अपनी तोपों को इस्तेमाल में लाना शुरू किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यह तैयारा दुश्मन की हदूद से बहुत आगे निकल चुका था।
उसके बाद क्या होना था कि यही त्यारा बार बार दुश्मन की हदूद में आता, उनकी हदूद में दाखिल होकर अपने टारगेट्स पर निशाना लगाता, वहाँ बॉम्ब फेंकता और फिर से हवा के अंदर गायब हो जाता। यूँ एक एक करके इस त्यारे के पायलट ने बड़े अच्छे तरीके से अपने 8वां बॉम्ब दुश्मन के 8 इंतहाई अहम पॉइंट्स पर फेंक दिए और उन्हें पूरी तरह से तबाह करके वापस अपने बेस की तरफ रवाना हो गया। इस त्यारे की दरअसल मुनफरद खासियत ये थी कि जब यह त्यारा दुश्मन की हदूद में दाखिल होता तो इस त्यारे का पायलट एक तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाता और दूसरा अपने त्यारे के इंजन को बंद कर देता। इंजन बंद होने की वजह से इस त्यारे को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन उसके साथ फ़ायदा ये होता था कि दुश्मन की तोपें किसी भी तरह से अंदाज़ा न लगा सकती कि त्यारा किस तरफ से आ रहा है, और जब यह त्यारा बॉम्ब गिरा चुका होता तो फ़ौरन से अपने इंजन को फुल स्पीड पर ऑन करके दुश्मन की हदूद और उनकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस पहले कामयाब हमले के बाद भारतीयों की जानब से इस बॉम्बार एयरक्राफ्ट के पायलट को एयर पास चार्ली का नाम दिया गया, क्योंकि इसने अपने 8 बॉम्ब्स को दुश्मन के ऊपर ठीक निशाना लेकर उनके 8 मुख्तलिफ मकामात पर फेंक कर तबाह किया था। दुश्मन का यह ख्याल था कि शायद ये वाक़या सिर्फ़ एक ही रात हुआ और उसके बाद अब कभी नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ उनका ख्वाब ख्याल ही था। दरअसल इस त्यारे के पायलट का बाकायदा से एक उसूल था कि वो हमेशा अकेले आता और पहले बॉम्ब के साथ वो भारतीयों को खुला चैलेंज कर देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं और तुमसे जो होता है वो करके देख लो। ये पायलट इस कदर महारत रखता था कि वो अपने 8 बॉम्ब्स को दुश्मन की हदूद के अंदर नहायत एक्यूरेसी के साथ उनके मुख्तलिफ 8 मकामात पर गिराता, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन कभी भी उस त्यारे को ट्रेस ना कर पाता और ना ही अपनी त्यारा शिकन तोपों के ज़रिए उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता। वो त्यारा मुकम्मल तौर पर बहादुर पायलट के साथ अकेले आता और दुश्मन को खुला चैलेंज करके रखता कि मैंने अभी इतने चक्कर बाकी लगाने हैं, यानी अगर मैंने 4 बॉम्ब गिरा दिए हैं तो मज़ीद 4 भी इसी बेस पर गिराऊँगा। और आखिरकार भारतीयों के अंदर खौफ व हरास की इंतहा इस बढ़ गई कि जब भी रात के वक्त किसी भी एयरक्राफ्ट की तरफ से भारतीयों के किसी एयरबेस के ऊपर एक बॉम्ब गिराया जाता तो उस वक्त उस एयरबेस की तरफ से बाकी तमाम एयरबेसेस पर यह बात फैला दी जाती है कि एयर पास चार्ली ने इस बेस पर हमला कर दिया है। एक भारतीय पायलट पैडी एरल के ये अल्फाज 8 पास चार्ली के बारे में मिलते हैं। दोस्तों, पैडी एरल ने अपनी एक किताब के अंदर इस पायलट का जिक्र कुछ यूं किया है कि मैं इस पाकिस्तानी बम्बार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूं, जिसे हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक लेजेंड था, लेकिन इसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चाँद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुँच जाता। एन उस वक्त जब हम अपने पहले जाम ख़त्म कर चुके होते, वो एक बेहतरीन और ऊंचे दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपने हमले की सिमत को छुपाने के लिए वो होता लगाने से पहले इंजन को बंद कर देता और जब तोपची फायर खोलते तो वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता, और उसके बाद बॉम्ब गिराने के बाद वो फौरन से अपने इंजन को फुल पावर देकर गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता। अब दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद किसी ऐसे पायलट की कि जिसे 8 पास चार्ली कहा जा सकता था, तो उस वक्त बहुत से पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया कि ये नजीब ए खान नामी पायलट के सिवा और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिन टारगेट्स पर 8 पास चार्ली हमला करता वो तमाम टारगेट्स नजीब ए खान साहब के टारगेट हुआ करते। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर इस पाकिस्तानी पायलट ने भी मानने से साफ इनकार कर दिया कि वो 8 पास चार्ली है, और यूँ पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में आज भी ये बात सबसे बड़ा मामला है कि आखिर 8 पास चार्ली कौन था और वो सामने क्यों ना आया। तो दोस्तों, ये एक ऐसा गुमनाम पायलट था जिसकी हकीकत आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। मुख्तसरन दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुख्तसर और जामिया वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमती वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और दिलचस्प और मालूमती वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।